साइस आर्मी बैठी हुई है। ओहो हेवन, आसपास आइस एंड बीच में राइड। तो यहाँ पर एक ट्रक पलटी हो गया है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग टाउन। सो अभी बज रहा है सुबह का 8 एंड अभी हम और सम्वेदा जा रहे हैं तवांग वार मेमोरियल के सामने जो ब्रिगेडियर ऑफिस है वहाँ से पास लेने के लिए। तो बुमला जाने के लिए जो परमिट चाहिए होता है या पास, उसके लिए हम लोगों ने एक एजेंट को कॉन्टैक्ट किया था एंड वो पास बना करके रेडी रखा है। बस अभी जा करके पास रिसीव करना है, देन फिर हम लोग बुमला के लिए निकलेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रिगेडियर ऑफिस है जो वो 9 बजे तक ही खुला रहता है या फिर 9 बजे तक ही पास मिलेगा। तो एजेंट ने जो बोला कि आप जाके सर 9 बजे तक ही, अभी 9 बजे से पहले पास ले लीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग निकल चुके हैं 8 बजे, हम सम्वेदा बस जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रक पलटी हो गया है, आगे से रोड ब्लॉक है, हम लोग घूम के जाना है। बहुत ख़तरनाक वाला पलटी हुआ है। तो यह आर्मी बेस कैंप के सामने हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पर एक हेलीपैड दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, यही वाला हेलीपैड वहाँ से दिखता है नहीं हम लोग रूम से। काफ़ी नॉइज़ आ रहा है हेलीकॉप्टर का। सो ये है तवांग वॉर मेमोरियल, आर्मी वाले लोग जा रहे हैं। बुमला पास के लिए सर परमिट, बुमला पास के लिए ब्रिगेडियर ऑफिस। सर बुमला पास के लिए परमिट ब्रिगेडियर ऑफिस। आपने पहले वो किया था, पास दिया था? हाँ 35। एक आदमी उतर गया। ठीक है ठीक है। थोड़ा मेरे गाड़ी चलाया, टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है सर का रिव्यू। एंड ये रहा वॉर मेमोरियल। तो बिना लेट के जल्दी से निकलते हैं वापस अपना होम स्टे, देन वहाँ से फिर चलेंगे। जो मेरा गाड़ी टेस्ट कर रहे थे वो सर है उत्तराखंड से, ऐसी बातचीत करते टाइम पूछ रहे थे वो कितनी बढ़ती है गाड़ी की। अरे नो एंट्री, यहाँ पर काफ़ी जगह नो एंट्री लगा हुआ है। बट एक चीज़ अच्छा, यहाँ पर बहुत कम ही वन वे है, नहीं तो सिक्किम में बहुत सारा वन वे था, बहुत सारा। सो अभी हम लोग हैं होटल पे, होमस्टे होटल नहीं है, होमस्टे यहाँ का जो कैंटीन है वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। इधर थोड़ा फोटो शूट करते हुए देवांजन सर, और इधर से काफ़ी मस्त व्यू है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा। ये रहा है व्यू, सन इधर, धूप भी आ रहा है इधर से। एंड ये रहे सौम्यदा, कहाँ के सौम्यदा? ये रहा कैंटीन पूरा। तो अभी यहाँ से सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे, देन डायरेक्ट वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स बुमला पास। मच 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 लेटर। तो अभी निकल रहे हैं वाई जंक्शन के लिए, आराम से स्लो वॉल्यूम में गाना बजा के सुनते सुनते। सो बुमला यहाँ से 33 किलोमीटर है, वाई जंक्शन 21 किलोमीटर है। पर हाँ, तो अभी जो है टोटल 3 चेक पोस्ट मिलेगा। पहला चेक पोस्ट हम लोग अभी वहाँ पर जस्ट एंट्री हुआ है, कैमरा ऑफ कर दिया था मैंने क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है, ये मराठा ग्राउंड करके कुछ नेम था, ये फर्स्ट चेक पोस्ट है। आगे और 2 चेक पोस्ट मिलेगा क्योंकि अभी सीज़न बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ़ है। कुछ दिन पहले ही अच्छा खासा बारिश हुआ था तो बुमला के लिए एंट्री बंद था, ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि पूरा स्नो वगैरह था, इतना कुछ, पूरा रोड ब्लॉक था। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वाई जंक्शन, यहाँ से माधुरी लेक इधर है ना, माधुरी लेक इधर, अब बुमला इधर, दोनों। और इधर स्नो दिख रहा है, फर्स्ट टाइम लाइफ में स्नो देख रहे हैं। ये रहा स्नो, पूरा जमा हुआ है। तो ये बर्फ़, इसको हम हाथ में ले रहे हैं, ठंडा नहीं लग रहा है। ओहो हो, कोई सेंस है इस बात की? तो भाई अभी हम लोग वाई जंक्शन क्रॉस कर चुके हैं एंड ये रहा रोड पे ही स्नो, बट इतना
भयानक वाला रोड पे स्नो अभी नहीं मिलेगा, ऐसे साइड साइड में स्नो मिलेगा। तो यहाँ पर अभी ये सेकंड चेक पोस्ट, हाँ तो ये सेकंड चेक पोस्ट है। हम तो अभी हम लोग क्रॉस किए हैं सेकंड चेक पोस्ट, वहाँ पर गोप्रो ऑफ कर दिए थे क्योंकि फोटोग्राफी वीडियो प्रोहिबिटेड था। तो सेकंड चेक पोस्ट में क्या होता है, पास चेक होता है, एंट्री होगा। फर्स्ट चेक पोस्ट में बस एक ग्रुप में से किसी एक मेंबर का EILB चेक होता है। सेकंड चेक पोस्ट में बुमला का जो परमिट है वो चेक होता है। एंड थर्ड चेक पोस्ट में नहीं पता, आगे जाने से पता चलेगा। लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। गाड़ी एक एंड दो गियर पे चल रहा है मिट्टी यार। ओहो हेवन, आस पास आइस एंड बीच में राइड। ओ माई गॉड, पैर में इतना ठंडा लग रहा है ना। तो अभी जो है जो लास्ट चेक पोस्ट है वो हम लोग वेरिफिकेशन हो चुका है। टोटल तीन चेक पोस्ट होता है, ये लास्ट चेक पोस्ट था। यहाँ पे फिर से चेक हुआ जो परमिट है, बुमला परमिट, ये सब आर्मी कैंप से ग्रीन ग्रीन सब। तो ये लास्ट चेक पोस्ट था, इसके बाद यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर है बुमला पास। तो वहाँ पर सर बता रहे थे कि वहाँ पर कैफेटेरिया भी है, जो यहाँ का हाईएस्ट कैफेटेरिया है, मतलब हाईएस्ट हाइट पे है जो वहाँ पे समोसा चाय वगैरह सब कुछ मिलता है, मोमो वगैरह इंडियन आर्मी ही सर्व करती है। तो यहाँ पर कुछ वाइट कलर के कैंप से फॉर सेफ्टी आई गेस, वाइट कैंप से दूर से सैटेलाइट इमेजेस में पता नहीं चलता है, कैंप पे की बर्फ़ है, पूरा बर्फ का चादर। वाह, ओहो काफ़ी ठंडा लग रहा है। आई गेस हियर ना द टेम्परेचर इज -2 और -3 डिग्री। यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, ना जियो का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क पूरे अरुणाचल में नहीं है, एंड ना ही एयरटेल का नेटवर्क है अभी। ओहो वाह हेवन। तो फाइनली बुमला पास पहुँच चुके हैं। ये रहा देवांजन सर, ये रहा पहनो ना पीछे जो तो गाड़ी हम लोग ने पीछे रख दिया है, यहाँ तक अलाउड नहीं है गाड़ी। ये रहा पीछे का कुछ व्यू पूरा, वहाँ लिखा हुआ मेरा भारत महान, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो एंजॉय द सिनेमैटिक्स। वो जो पीछे दिख रहा है ना ग्रीन वाला ड्रम, उसके बियॉन्ड हम लोग गए थे, उसके बियॉन्ड में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उधर है चाइना बॉर्डर, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये है एक्चुअली वो जो दूर में दिख रहा है ना इनक्रेडिबल इंडिया। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जूम करके वो गेट तक लेके जाऊँ, वो जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर वो फ्लैग्स है ना वहीं पर हम लोग गए थे। वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी बैठी हुई है, एंड वहाँ पे फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं था। तो एक आर्मी पर्सनल ने सारा डिटेल्स बताया कि लाइक जो 1962 में जसवंत सर जो वीरगति को प्राप्त किए थे, सारा डिटेल्स वगैरह हमें ब्रीफ किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा। एंड काफ़ी गुस्सा भी आया अंदर से चाइना के लिए कि वो कभी सुधरेगा नहीं। यहाँ पर अभी इस जगह पर थोड़ा सा शांति है, बट लद्दाख के टाइप लद्दाख साइड में अभी थोड़ा सा प्रेशर वगैरह बना रहा है वो, बट इट्स वेरी बैड। सर बता रहे थे एक वॉर दोनों कंट्री को 30 ईयर्स पुश कर देता है इकोनॉमी वाइज, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। बट ये इंडिया वाले तो समझ जाते हैं, चाइना वाले सारे समझते नहीं है ना। ये रहा कुछ पीछे का सीन्स। तो हाँ, और एक चीज़, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना रेड एंड वो ग्रीन वाला जो हट है, तो ये कैंप में इंडिया में 5 बार मीटअप होता है एंड चाइना में 4 बार होता है। सर ने कोई डेट्स बताया, तो बेसिकली ये सब मीटिंग पॉइंट्स यही सब कैंप्स में होता है। आगे ये अभी ये जो रोड दिख रहा है ना, ये पूरा 6 फीट तक बर्फ़ में ढक जाता है।
जैसे कि सर बता रहे थे दिसंबर एंड जनवरी में, ये रहा स्नो जो रिमूव कर रहा है मशीन। और एक राइडर है मेघालय से, जॉनसन भैया, अब जब मेघालय राइड करेंगे इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड देन साथ में राइड करेंगे, क्योंकि कोई भी जगह पे लोकल राइडर अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है, लाइक एग्जैक्ट प्लेसेस, रोड्स बहुत ही अच्छा होता है। ये रहा स्नो वाला हटाने वाला मशीन जो है हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर बाइक पार्क बढ़िया तरह से हो। जय हिंद सर। तो अभी हम लोग बुमला पास हो लिए हैं, हमारे साथ अभी एक और राइडर ऐड हो चुके हैं जो कि मेघालय से है, शिलोंग से है एक्चुअली। तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे वाई जंक्शन, वहाँ से फिर माधुरी लेक जाएंगे।